हमेशा कोशिश करो कि जो भी आप कर रहे हो उसके साथ साथ में कुछ और भी करो. डोंट सिट आइडल. कि खाली बैठ गए ना, और एक बार खाली बैठने की आदत अभी इस एज में पड़ गई तो आगे जाकर के आपसे काम ही नहीं होगा. आप समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे लोग हैं और इंडिया में तो भरे पड़े हैं. गलत टाइम पे खाली बैठने की आदत पड़ गई. अब खाली बैठने की आदत पड़ेगी तो आपको सर्कल कैसे लोगों के साथ में बनेगा? वो लोग जो खाली हैं, वेले हैं. अब वेला आदमी क्या करेगा टाइम को पास करने के लिए? टाइम पास करेगा? टाइम पास कैसे होता है? पत्ते खेलेगा. पत्ते खेलेगा, सट्टा लगाएगा, उल्टे सीधे काम करेगा, राइट? ये सब मिलता जुलता है. पत्ता, सट्टा, सुट्टा. इन टा से बच के रहो जी आप. समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? डज इट मेक सेंस? कि अगर आप खाली हो गए, चॉइस आपके हाथ में है. एक ऐसा करियर चूज कर लिया जहां पर कि आप गए, कुछ क्लासेस अटेंड करी और उसके बाद में खाली हो. अब आप कह रहे हो कि यार सही है, खाली टाइम है तो अब टाइम पास करो. दिस इज वन ऑप्शन दैट यू हैव गॉट. सेकेंड ऑप्शन क्या है? कि खाली टाइम है, इसको यूटिलाइज करो. लेट मी डू समथिंग टू मेक माई सेल्फ बेटर, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन बट ओवरऑल. मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको ये दे सकता हूं बेस्ड अपॉन माई अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस, कि कभी भी खाली मत रहो. कुछ भी करो. कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके करियर से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपका मन कर रहा है अंदर से करने का, और उसमें कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना टाइम की ना पैसे की. फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स का नाम सुना है आप लोगों ने? तो ही वॉज इन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, और उन्होंने साथ साथ में क्या किया था पता है किसी को? कैलीग्राफी. कैलीग्राफी. अब सोचो कहां है कनेक्शन. ही वॉज नॉट इन एन आर्ट कॉलेज बट ही वॉज लर्निंग कैलीग्राफी. लेकिन आगे जाकर के जब उन्होंने अपने डॉट्स को कनेक्ट किया, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, तो उनको पता लगा कि इसका बहुत बड़ा हाथ था उसमें. ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती है लाइफ में जो आपकी पर्सनैलिटी को एक अलग लेवल पे ले जाती है, चाहे वो कुछ भी हो. मतलब एक आप ये भी कह सकते हो कि दोस्तों के साथ में घूमना ही है, तो उसको भी टाइम पास करने के मोटिव से मत घूमो, कुछ सीखने के मोटिव से घूमो. आप समझ गए ना? मतलब कि अगर दोस्तों के साथ में बैठ करके सुट्टा भी मार रहे हो तो वहां पे भी अपना माइंडसेट ये रखो कि यार मैं अपना टाइम पास नहीं कर रहा हूं, टाइम को यूटिलाइज कर रहा हूं. व्हाई नॉट? दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है लाइफ में. बिकॉज टाइम पास इतना गंदा वर्ड है, दैट मीन्स कि आप डल हो गए. देयर इज नथिंग लाइक टाइम पास फॉर मी इन माई लाइफ. एवरीथिंग इज यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम. कुछ भी कर रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो कि मतलब कभी खुद ने ज्यादा पी ली या किसी दोस्तों ने ज्यादा पी ली तो देखो पी करके आदमी कैसी कैसी हरकतें करता है. समझ रहे हो? और उसकी वजह से क्या गड़बड़ होती है, कभी डंडे भी पड़ सकते हैं. कुछ भी हो सकता है, तो उस समय भी उससे भी कुछ ना कुछ सीख लो. कुछ नए दोस्त बनाए हैं अपने कॉलेज में तो वहां पर भी कुछ सीखो. तो आप क्या करोगे? आप सुनोगे उनकी बातों को, आप समझोगे, आप उनसे बात करोगे. और हर आदमी को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो उनसे बात करें, ना कि अपनी अपनी बोलते रहे. है कि नहीं? मतलब सबको अच्छा लगता है कि वो सुने बैठ करके. ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अगर आपका सीखने का माइंडसेट है और आप 24 घंटे इस तरीके से कुछ ना कुछ सीख रहे हो ना, तो यू वुड नोटिस कि आप धीरे धीरे अंदर से बेटर होते चले जा रहे हो. कि मतलब सिर्फ आप एक कॉलेज से डिग्री लेकर के नहीं निकल रहे हो, बट यू आर बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग, अ बेटर पर्सन, जो बहुत बड़ी चीज़ है. एक तो है कि आप एक डिग्री लेकर के निकल तो आए, लेकिन पर्सनालिटी आपकी वैसी की वैसी है जब आप कॉलेज में गए थे, या माइनर चेंजेस आए. एक आप पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गए. कि आपको अगर कोई हर एक साल बाद मिलेगा तो मिल करके क्या कहेगा? अगर वो कह रहा है कि यार तू वैसा ही है बिल्कुल, तू बिल्कुल नहीं बदला, तो समझो आप गलत ट्रैक पर जा रहे हो. लोग इसको कॉम्प्लीमेंट समझ लेते हैं. दिस इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट. पहले भी थके हुए थे, अभी भी थके हुए हो. पहले बेवकूफ थे, आज भी बेवकूफ हो. मजा इसमें आना चाहिए कि कोई पुराना आकर के आपको मिले, कोई पुराना स्कूल का दोस्त आकर के मिले, वो कहेगा भाई क्या हो गया तेरे को, मतलब तू तो बिल्कुल ही बदल गया है, तू तो बिल्कुल ही बदल गई. समझ गए? इसका मतलब आपने कुछ सीखा है, आप उससे अलग बने हो जैसे आप थे, आप उससे कुछ बेटर हो गए. तो ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है,
कि अभी आपकी एज है 18 साल 19 साल, तो ये अभी के लिए नहीं है, पूरी लाइफ के लिए। लेकिन पूरी लाइफ के लिए ये टिके कैसे रहोगे इस थॉट के ऊपर जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ सीखते रहना है। अगर आपने भी नोट किया होगा तो आज से 4 साल पहले जो मेरे सेशंस देखे होंगे और आज जो सेशंस देख रहे हो उसमें आपको जमीन आसमान का फर्क मिल रहा होगा। तो क्या हो रहा है, कभी सोचा है? मैं कॉन्स्टेंटली ग्रो करता चला जा रहा हूँ। मतलब आप अगर मेरे को अभी मिल रहे हो, अगर अगले 6 महीने बाद मिलोगे तो यू वुड फाइंड अ डिफरेंट पर्सन। कुछ लोगों को इसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लगेगा, वो कहेंगे यार ये तो कल कुछ कह रहा था आज कुछ कह रहा है, अरे मैं बदल गया भाई। समझ गए ना, दैट मीन्स आई एम ग्रोइंग, मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, आई एम नॉट स्टैगनेंट। मैं रुके हुए पानी के जैसा नहीं हूं जिसमें काई जम जाती है, मैं बहते हुए पानी के जैसा हूं, बह रहा हूं, बड़ी तेजी से बह रहा हूं, 24 घंटे सीख रहा हूं, समझ रहा हूं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर, अगर अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा उसको अगर मैं समअप करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजी रहना है। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जहां पर आप कुछ भी सीख रहे हो, चाहे वो काम थोड़ा सा गलत भी है दुनिया की नजर में, क्योंकि करोगे तो वैसे भी लेकिन अगर सीख रहे हो तो वो गलत काम भी सही है। गलत काम क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते हो, बहुत तरह के गलत काम है इस दुनिया में। गलत काम भी अगर आप एक लर्निंग एटीट्यूड से कर रहे हो कि मुझे सीखना है एंड आई नीड टू ग्रो आउट ऑफ इट, तो वो अच्छा है। और एक सही काम भी बस करने के लिए कर रहे हो तो बेकार है, कि घर वालों ने कहा है कि ये करियर चूज करो और पढ़ो, तो हाँ बस घर वालों ने कहा है तो मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ करके मेरे को नौकरी लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब बेकार है। ठीक बात है ना, कि आप सही काम तो कर रहे हो लेकिन उसका फायदा क्या है, इफ यू आर नॉट चार्ज्ड अबाउट इट, इफ यू आर नॉट एक्साइटेड अबाउट इट, है ना। तो होगा क्या कि अगर ये सीखने वाला एटीट्यूड होगा तो यू विल नेवर गेट स्टक इन योर लाइफ, आप कॉन्स्टेंटली आगे 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 बढ़ते चले जाओगे, ग्रो करते चले जाओगे। खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ आप बेकार का काम कर रहे हो। अगर कुछ नहीं है करने के लिए तो जा करके अपने घर से निकल जाओ, घर से मतलब घर छोड़ना नहीं है, आगे घर वाले मेरे पास आ जाए, ये कहाँ है जी हमारा बच्चा, मेरी बेटी कहाँ है। घर से निकल जाओ का मतलब कि घर में बैठे हुए हो, थके हुए टीवी देख रहे हो, उससे अच्छा है कि बाहर बैठ जाओ जा करके, और जा करके बैठ करके लोगों को ऑब्जर्व करो, देखो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जो आप बनना चाहते हो, जो आप बनने वाले हो, जो वो बन चुके हैं उनको देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। समझ पा रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हो तो आप क्या बनने वाले हो, इंजीनियर बनने वाले हो, इंजीनियर बन के क्या करोगे, क्या करोगे, किसी ना किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाओगे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वहां पे काम करोगे, वहां बाहर जाकर के बैठ जाओ, देखो उन लोगों को जो वहां पहुंच चुके हैं जहां पहुंचना चाहते हो, जा करके उन लोगों से बात करो, बात तो कर ही लेंगे, बात करने में क्या दिक्कत है, लंच ब्रेक होती है उसके टाइम पे सब लोग बाहर आते हैं, करते हैं, बैठते हैं, तो उनसे बात कर सकते हो, ज्यादा नहीं आपने 2-4 लोगों से भी बात करी तो कितना कुछ सीखने को मिल सकता है। उनको बताओ कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ पर हूँ, इस कॉलेज में हूँ, और मैं आगे जा करके कुछ अच्छा ऐसा करने का सोच रहा हूँ, तो आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू, कैन यू शेयर समथिंग आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस टू मी, इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर मी। सोचो तो उनसे बात करके आप जो सीखोगे क्या वो छोटी चीज़ होगी, बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। तो यहां पर क्या हो रहा है, आप एक तो बिजी हो रहे हो, दूसरा आप सीख रहे हो, कुछ कंस्ट्रक्टिव सीख रहे हो, तो हो सकता है उनसे बात करके आपको आइडियाज मिलेंगे कि जो तुम कर रहे हो सिर्फ उससे कुछ नहीं होने वाला, साथ में ये भी कर लो, तो नाउ यू हैव एन एज। मतलब आपके कॉलेज में जो हजारों बच्चे हैं और आप हो, आप में और उनमें एक फर्क आ गया, क्योंकि अब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वो नहीं कर रहे, शायद वो समझ नहीं पा रहे, वो देख नहीं पा रहे, बट आप देख पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो। तो इस तरह से आप अगर अपना ये माइंडसेट बना सको कि मुझे चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, एक तो मेरे को हमेशा अपने आप को बिजी रखना है और कुछ ना कुछ सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है, देन यू विल कीप ऑन ग्रोइंग एंड देन दिस ग्रोइंग विल बिकम योर हैबिट। आदत पड़ गई, जैसे हर एक की अपनी एक आदत पड़ जाती है, वो आदत इसी एज से पढ़नी शुरू हो जाती है, आते अभी से पढ़नी शुरू हो जाएगी,
अभी अगर आदत पड़ गई कि यार बस मेरे को ना कहीं से कंफर्टेबल लाइफ मिल जाए, समझ गए, गए पूरी लाइफ के लिए, मिल भी गई तब भी मरे, नहीं मिली तब भी मरे, नहीं मिली तो रोते रहोगे और मिल गई तो कंफर्ट जोन में चले जाओगे और कंफर्ट जोन बड़ा बोरिंग होता है। ये अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आने वाले 10 साल बाद आप अपने आप को देखोगे, अगर ये कंफर्ट जोन में पहुंच गए, तब आपको रियलाइज होगा कि यार लाइफ कितनी बोरिंग है, रिपीट होने लग जाती है लाइफ, सेम रूटीन चलने लग जाता है। शुरू में कुछ दिन तक बड़ा अच्छा लगता है, नई कंपनी में गए, नई जॉब, नए लोग, ये हो, फिर जैसी रूटीन में जाते हो सब बोरिंग लगने लग जाता है। मेक ग्रोइंग योर हैबिट, इफ दैट इज योर हैबिट, अगर वो आपकी आदत बन गई है तो अब आप कुछ कमाल के बन सकते हो, अब आप कुछ ऐसे बन सकते हो जिसको देख करके दिस द होल वर्ल्ड विल बी प्राउड ऑफ यू। चलो दुनिया को भी छोड़ो, दुनिया, वेदर दे विल बी प्राउड ऑफ यू और नॉट, बट यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, मोस्ट इंपॉर्टेंट।